हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं ममता खान राजपूत आप सभी का एक बार फिर से पिनेकल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी फिजिक्स की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, वो हाफ सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो हमारा हाफ कंप्लीट हो गया है, हाफ रहता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 501 से क्वेश्चन नंबर 550 तक कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। कमेंट में कई बच्चों ने पूछा था कि मैम आप इसको बीच में तो नहीं छोड़ दोगे? जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी पूरी सीरीज जरूर कंप्लीट होगी। आप लोग जस्ट इसे देखते रहिए, ठीक है? अच्छे से इससे मतलब जितना बेनिफिट ले सकते हैं आप, जितना अच्छे से इसको समझ सकते हैं समझते रहिए, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 501। तो क्या है क्वेश्चन? इन द गिवन ऑप्शन, विच इज क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट के ट्रांसमिशन का? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए कि ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से जो हीट की अगर हमें ट्रांसमिशन करवानी है तो कौन सा वे सबसे फास्ट रहेगा, क्विकेस्ट वे हमें बताना है। रेडिएशन के थ्रू रहेगा या फिर कन्वेक्शन के थ्रू रहेगा, कंडक्शन या फिर स्कैटरिंग? तो बताइए क्या है। बिल्कुल पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड काफी डिस्कशन कर चुके हैं, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। आपको हर सेशन में एक या दो क्वेश्चन आई होप इससे मिले होंगे, ठीक है? तो बताइए क्या रहेगा। फर्स्ट का ए, रेडिएशन। जी हाँ बिल्कुल सही, रोहित का भी सही आंसर है, भूपेंद्र बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है आप सभी का, रेडिएशन। रेडिएशन वाला जो मेथड होता है वो सबसे फास्ट होता है, ठीक है? अब इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि जैसा कि पहले के सेशंस में हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब जो हमारी हीट है वो रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो कौन सी रेडिएशन होती है? सन से भी जो हमारी धूप जो आती है हमारे तक, उसमें जो हीटिंग की जो सेंसेशन हमें फील होती है वो किसकी वजह से होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। और जो इंफ्रारेड है वो कौन सी वेव्स होती हैं? ईएम वेव्स। और जितनी भी ईएम वेव्स हैं वो सारी की सारी कौन सी वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, जिसे हम सी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हम कह सकते हैं फास्टेस्ट अचीवेबल जो वेलोसिटी है, ठीक है? मतलब इस दुनिया में जो सबसे फास्ट इस टाइम जो वेलोसिटी है वो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है। तो हमारा राइट आंसर है रेडिएशन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? इसकी प्लेलिस्ट कहाँ है? प्लेलिस्ट आप पिनेकल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने कल तक की 10 वीडियोस में अपडेट कर दी गई है, ठीक है? तो आज वाली वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 502 पर। क्या है 502? इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर एक पर्सन ए से बी पॉइंट तक जाता है एंड देन बी पर जाने के बाद वो वापस रिटर्न करता है ए की तरफ, लेकिन मिडवे आकर ए और बी के मिडवे आ जाता है वो पॉइंट सी पर और वहां रुक जाता है। यानी हुआ क्या है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक वो गया है, फिर बी से ए तक वापिस आते हुए मिड पॉइंट जो है ए एंड बी का सी, उस पर वो रुक जाता है। तो पूछ रहे हैं कि जो डिस्टेंस टोटल है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेशो कितनी आएगी। पीडीएफ, आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्वेश्चन के आंसर कीजिए, इनको साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 502 जो है उस पर हमें बताना है क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेशियो क्या आएगी। देखिए अब अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, अभी कल परसों ही हमने ये क्वेश्चन किया था, उसमें ये आया था कि जो डिस्टेंस है वो टोटल पाथ लेंथ होती है, तो यहाँ टोटल पाथ लेंथ क्या हुई, ये वाली, ठीक है? और ये जो हमारी है, ठीक है? अगर हम ऐसा मान लें ये सी है तो दोनों की रेशो कितनी कितनी आई, वन वन आई, यानी हम कह सकते हैं जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये है। तो अगर मैं इसको वन ले लूं, इसको वन ले लूं, तो वन और वन टू डिस्टेंस होगी टोटल, और वापिस आते टाइम भी वो सी तक तो आया है, तो वन ये, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, एक तरह से थ्री डिस्टेंस हो गई। हम यूं कह सकते हैं, मैं इसको सेंटीमीटर बोल दूं मीटर बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ रेशो बतानी है क्योंकि, ठीक है? लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो रेशो होती है वो होती है, सॉरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनी ए और सी के बीच की, वो तो सिर्फ वन ही रही, तो क्या रेशो आई, डिस्टेंस तो बन गई थ्री, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आई, सिर्फ जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की है वो सिर्फ कितनी बची हमारी, वन, तो क्या रेशो आई।
3:1। जी हाँ, 502 का बी है, बिल्कुल सही ऑप्शन है आप सभी का। जिन्होंने भी आंसर किया है बिल्कुल सही है, 3:1। थोड़ा सा समझने का है, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि यहाँ जब हमने ट्रेवल किया, यहाँ तो ये कंप्लीट डिस्टेंस और हाफ ये, तो टोटल अगर हम इसको पार्ट करके करें, मैंने वन 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 मान लिया सबको क्योंकि इक्वल पार्ट है, तो ये 3 पार्ट हो गए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है वो सिर्फ 1 पार्ट है, तो 3:1 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है 503। विच डिवाइस इज यूज टू चेक द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, 503 का। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 503 में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है करंट का, तो क्या उसके लिए कौन से डिवाइस यूज करेंगे, एमीटर, बोलोमीटर, गल्वेनोमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो इनमें से कौन सा यूज होता है। देखिए, जब भी करंट की बात आती है ना, उसको देखते ही हम सोचते हैं कि एमिटर आंसर आएगा, लेकिन नहीं, जब भी हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेक करने की बात आती है, ठीक है, तब हमको क्या यूज करते हैं वहां पर, गल्वेनोमीटर। एक्चुअली गल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल, जितना अगर छोटे से छोटा करंट भी होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या डायरेक्शन है वो सब चेक करता है, तो इसलिए हम गल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, गल्वेनोमीटर आते ही, अगर आपने पिछले सेशन देखे हैं तो आपको रिकॉल हो गया होगा कि गल्वेनोमीटर के 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, गल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी साथ की साथ कोशिश करें रिवाइज करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 504 पर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यानी कि वो दूरी जिस तक हमारी, हम अपनी आंखों से नॉर्मली कितनी डिस्टेंस तक, जो मिनिमम डिस्टेंस हमें बतानी है, वहां पर आकर हमें सही, वहां तक हमें बिल्कुल सही दिखाई देता है, यानी अगर उससे पास हम कोई ऑब्जेक्ट लेके आएंगे या कोई बुक है, हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हल्की सी ब्लर वो हमें दिखेगी, कोई इमेज है, लेकिन वो डिस्टेंस ऐसी है जो हमें बिल्कुल परफेक्ट इमेज दिखाती है, तो वो डिस्टेंस, ये तो आप सभी को आता होगा 504 का। जी हाँ, 504 का है, क्या है हमारा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम मायोपिया वगैरह में उनमें करते भी हैं, जिसमें कि जो पर्सन है उसका जो नियर पॉइंट है थोड़ा और पास शिफ्ट हो जाता है, यानी कि उसको वो जो चीजें हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इस तरह के काफी क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर से रिलेटेड आ सकते हैं, तो ये लीस्ट डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 505 पर। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 505 पर आ जाइए। मैग्नेटिक फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स है, रोलिंग बॉल है, या फिर नन ऑफ दीज, हमारे 4 ऑप्शंस में से क्या आएगा, बताइए जल्दी सी। देखिए, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात की गई है, नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट में वो फोर्स लग भी रहा है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, लेकिन बिना कॉन्टेक्ट के। तो फ्रिक्शनल फोर्स में ऐसा होता है क्या कि बिना कॉन्टेक्ट के करते हो। 505 का ए, जी हाँ बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फोर्स ही आएगा आंसर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स में तो दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में टच होना जरूरी है। ठीक है, जब वो स्लाइड करेंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और रोलिंग बॉल में भी हमारा जो होता है वो जो होता है, मतलब जो बॉल है फर्श पर रोल कर रही है अगर, तो वो भी क्या आएगी हमारी, एक तरह से टच होता है, और जो उसके अलावा नन ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो जो मैग्नेट है उसको हम उसकी हेल्प से हम मूव करवा सकते हैं, तो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो बिना किसी कॉन्टेक्ट के। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 506। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्ड पार्टिकल, इनमें से गोल्ड पार्टिकल किसे कहा जाता है, तो मीजन्स, इलेक्ट्रॉन्स, हिग्स बोसोन्स, या फिर न्यूट्रिनोज, गोल्ड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा हिग्स बोसोन। ठीक है, हिग्स बोसोन को हम बोलते हैं गोल्ड पार्टिकल, हिग्स जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे काफी फेमस, तो उन्होंने ये हमारा जो है जो हिग्स बोसोन है उनकी डिस्कवरी की थी, उनके अलावा और भी उनके साथ उनके काफी जो थे, उन्होंने, सभी साइंटिस्ट ने मिलके इन पर स्टडी की थी। ये जो बोसोन, हिग्स बोसोन है, ये एक्चुअल में है क्या है, ये हमारी जो पार्टिकल फिजिक्स है उसमें जो हम कह सकते हैं एटम का जो मॉडल बनाते हैं उसी में एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है गोल्ड पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और मॉडल जो फिजिक्स का मॉडल होता है, पार्टिकल फिजिक्स में जो मॉडल देते हैं स्टैंडर्ड मॉडल, उसका एक ये पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इतनी डिटेल आपके लिए जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ नेम से ये पता होने चाहिए गोल्ड पार्टिकल क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और वो उन्हें हम हिग्स बोसोन भी बोलते हैं। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि घोस्ट पार्टिकल किसको बोलते हैं, जैसे गोल्ड पार्टिकल है ना, वैसे ही एक होते हैं घोस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 507 पर क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स में फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है? तो कौन है, मैरी क्यूरी है, मैरिया गोपर्ट मेयर है, या फिर डोना स्टिकलैंड है, या फिर नो वुमेन हैज वोन टिल डेट। बताइए, बिल्कुल इजी आंसर है। हमने ये काफी पहले डिस्कस कर लिया है, ये हमारे काफी पहले के सेशन में, आई थिंक तीसरे या चौथे सेशन में ही हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जिन्होंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता वो है मैरी क्यूरी। और उन्होंने किस फील्ड में लिया था, जो नोबेल प्राइज था किस फील्ड में मिला था? रेडियो एक्टिविटी में इनके वर्क से रिलेटेड इनको वो नोबेल प्राइज मिला था। तो शी इज द फर्स्ट वुमेन एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज ट्वाइस। इनको दो बार नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है? तो ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 508 पर। व्हाट डू वी कॉल अ सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस एंड वेरी हाई डेंसिटी। एक हमारा एक आकाशीय पिंड है जिसकी रेडियस बहुत ही स्मॉल होती है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो इनमें से क्या है? एस्टेरॉयड है, सुपरनोवा है, न्यूट्रॉन स्टार है, या फिर बाइनरी स्टार है, ठीक है? तो जो इसमें हमारा राइट आंसर है वो है न्यूट्रॉन स्टार। देखिए, इनमें जो है ना, इनमें ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ खास अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता है। अभी जैसे ये बोसोन वाला क्वेश्चन था, उसमें भी जस्ट आपको याद रखना है कि गॉड्स पार्टिकल हम किसको बोलते हैं, घोस्ट पार्टिकल मैंने पूछा है वो किसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो सारे हैं, देखिए प्लीज, आप इतने एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इनका सबका आंसर नहीं दे सकती। हमारा सेशन पहले ही काफी लंबा चला जाता है क्योंकि 50 क्वेश्चंस है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है? तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे, आप जस्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, जो भी क्वेश्चन है मैं उन सभी का आंसर करूंगी, ठीक है? और अगर कोई हमारा रह भी जाता है डिस्कशन से तो आप बाद में कमेंट करें, बाद में जब भी हमें टाइम मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। आप मेरे पिछले सेशन की वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? मैंने सभी कमेंट्स के रिप्लाई किए हुए हैं, ठीक है? तो अगर अभी कोई रिप्लाई नहीं हो पा रहा तो उसके लिए प्लीज सॉरी, जस्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है न्यूट्रॉन स्टार। तो मैं ये कह रही थी कि इन क्वेश्चंस को आपको जस्ट लर्न करना है क्योंकि इनमें अंडरस्टैंडिंग का, ये काफी हाई लेवल से मतलब उठाए गए क्वेश्चंस हैं, तो इनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए। हु इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, कार्ल बेंज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये मार्कोनी, या फिर गैलीलियो गैली, इनमें से किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा इसमें? मार्कोनी ने, हम सभी को पता है कि जो फर्स्ट, जो मतलब हम बोल सकते हैं जो रेडियो की जो डिस्कवरी हुई थी वो मार्कोनी ने की थी। तो डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है? जी हाँ, घोस्ट पार्टिकल आप सर्च कीजिए ना उस पर यूट्यूब पे या कहीं पे भी, गूगल पे सर्च कीजिए। ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या होते हैं घोस्ट पार्टिकल। जैसे गॉड पार्टिकल एक पार्टिकल का नाम रखा गया है, वैसे ही घोस्ट पार्टिकल भी रखा गया है। जी हाँ, 509 का सी है। 510 पर हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के बारे में क्या बात इनमें से सही है, ठीक है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड पार्टली जो है वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एंड देयर इज नो फॉरबिडन गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड और बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है? देखिए, हमारे पास जो होता है, जो हमारी मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये जितने भी होते हैं, इनके अंदर हमारे पास दो तरह के बैंड होते हैं। एक हमारा होता है वैलेंस बैंड, एक हमारा होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है? सॉरी, ये कंडक्शन बैंड ऊपर बनाना है, वैलेंस बैंड यहाँ बनाना है, और उनके बीच में होता है एक गैप जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। तो हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स, तीन तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं। जी हाँ अनूप कुमार, राइट आंसर है बोथ आएगा। अभी आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या होता है वैलेंस बैंड में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जो ये वैलेंस बैंड है ये पार्शली या फुली फिल्ड होता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल एम्प्टी हम कह सकते हैं, एक टाइम पर होता है। लेकिन अगर आपको कंडक्शन करवानी है तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ सेंड करने होते हैं? कंडक्शन बैंड में। अब होता क्या है, इंसुलेटर में ये बैंड गैप जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन जो हमारी मेटल्स होती है उनमें ये बैंड गैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअल में कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, बीच में कोई गैप भी नहीं आया, तो इजिली, इसलिए जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड देते हैं वैसे ही उसमें कंडक्शन इजिली हो जाती है। लेकिन इंसुलेटर्स में ये गैप काफी हाई होता है तो कंडक्शन नहीं हो पाती, और सेमी कंडक्टर्स में ये गैप स्मॉल होता है जिसकी वजह से कंडक्शन आफ्टर सम टाइम हो जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 511, केल्विन स्केल में इनके केल्विन स्केल के बारे में क्या स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? क्या है? इट हैज 273 केल्विन वैल्यू एज 0 पॉइंट, क्या 0 पॉइंट पर 273 वैल्यू है, या फिर नेगेटिव टेम्परेचर है, या नो नेगेटिव टेम्परेचर, और -273 केल्विन वैल्यू एज अ 0 पॉइंट। अब इन्होंने देखो दो स्टेटमेंट दी है कि 0 पॉइंट, तो जो हमें पता है जो जीरो एब्सोल्यूट जीरो है जो केल्विन की, वो कितनी होती है? वो होती है 370, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो, तो हम जीरो केल्विन ही लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते तो वो कितना आता है? -273 केल्विन, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो है डिग्री सेल्सियस में अगर लेते हैं, इन्होंने तो बोला 273 है जीरो पर, ये गलत है, -273 केल्विन नहीं आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है, तो वो भी नहीं है। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा -5 केल्विन या नेगेटिव में, मतलब हम केल्विन को कभी भी नहीं लिखते केल्विन, क्योंकि मिनिमम कितना जाता है? 0 केल्विन तक ही जाता है, एब्सोल्यूट जीरो तक, उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं, मतलब उससे कम नहीं हो सकता। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसमें? नो नेगेटिव टेम्परेचर। 511 का डी नहीं आएगा, 0 पॉइंट पर -273 केल्विन, देखिए इन्होंने लिखा है केल्विन, केल्विन नहीं होता, वो हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है, ठीक है, केल्विन को। 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273 सॉरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए। तो राइट आंसर हमारा सी आएगा, जी हाँ। नेक्स्ट चलते हैं 512 पर। फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, या फिर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इनमें से किस डायरेक्शन में आता है? तो अगर आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 513 पर। वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ, वोल्टेज किसकी फॉर्म होती है, कैसी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, दोनों तरह की है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। देखिए अगर आप वोल्टेज की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं तो ये होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन जो हमारा इस यहाँ पर होता है वो हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर कौन सी वाली एनर्जी ली जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली हमारी किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होता है। 512 का सी, जी हाँ। 513 का ए, जी हाँ, वेरी सही, बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 514 पर। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवार्ड्स अ प्लेन मिरर विद स्पीड वी रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, द इमेज मूव्स टुवार्ड्स विद अ स्पीड ऑफ। अगर आप वी स्पीड से, एक मिरर आपने सामने लगाया हुआ है, आपकी वेलोसिटी वी है, उस स्पीड से आप मिरर की तरफ जा रहे हैं, तो मिरर में आपकी इमेज भी तो आपको आपकी तरफ आती हुई दिखेगी, ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से आएगी? तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि वो कितनी स्पीड होती है, वो जो हमारी होती है डबल स्पीड, तो क्या आएगा? 2v। तो 514 का हमारा जो आएगा, 514 का सी, जी हाँ, 2v इज द राइट आंसर। जस्ट आपने याद रखना है जिस स्पीड से हम ट्रेवल करेंगे, जो हमारी इमेज है वो उसे डबल स्पीड से हमारी तरफ ट्रेवल करेगी। तो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 515 पर। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो जो हुक्स लॉ है, इट इज एप्लीकेबल विद इन, ये पूछा है कि वो किस लिमिट में लगता है, इलास्टिक लिमिट में, प्लास्टिक लिमिट में, फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देखिए ये जो हमारे जितने भी हैं, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, फ्रैक्चर पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये हमारे जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की जो कर्व आती है, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच एक कर्व हम ड्रॉ करते हैं, तो उसी कर्व के लिए रिगार्डिंग ये पॉइंट्स आते हैं। और जो हुक्स लॉ है वो कौन सी लिमिट तक लगता है? सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक लगता है, जी हाँ। 515 का राज बिल्कुल सही आंसर है, इलास्टिक लिमिट, विश्व ने भी सही आंसर दिया है, इलास्टिक लिमिट में लगता है, यानी जहां तक जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही हमारा हुक्स लॉ होता है, और इस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जैसे इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, हुक्स लॉ फॉलो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 516 पर।
विच साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन मेजरमेंट से रिलेटेड, डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे जितने भी सेशन हुए हैं उसमें मेजरमेंट से रिलेटेड आई थिंक एक या दो क्वेश्चन मैंने डाला है। इस तरह से हमारे अगर 20 सेशन कंप्लीट हुए हैं होंगे तो उसमें हमारे आपके कम से कम 50-60 क्वेश्चन मेजरमेंट डिवाइसेस के हो जाएंगे, आपको बिल्कुल वो अच्छे से बिल्कुल रट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं डेली एक दो क्वेश्चन इनसे डालती हूँ। तो ये क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर का पूछा है, तो स्पीडोमीटर, स्ट्रेन गेज, बैरोमीटर या ओडोमीटर? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, बैरोमीटर, ठीक है। ये तो काफी बार हमने डिस्कस भी किया है, आइसोबार डिस्कस किया है, जहां भी बार वर्ड आता है, क्योंकि बार में हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर की एक यूनिट होती है, तो बैरोमीटर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 517। Which of these devices is used to increase the power of a signal? ये डिवाइस तो आप घर पे बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ सिग्नल, सिग्नल की पावर इंक्रीज करनी है तो एम्पलीफायर लगाएंगे, वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे, अटेन्यूएटर या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी लगाई जा सकती हैं। 17 का तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर लगाते हैं ना कहाँ पर, हम घर में कहाँ यूज करते हैं इसको, म्यूजिक सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम आपका जो होम थिएटर है वहां पर, तो वहां पर एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का क्या यूज होता है, वो तो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, और अटेन्यूएटर क्या करेगा, वो स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो दो चीजें हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है या कम करनी है, बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर और कम करने के लिए अटेन्यूएटर, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था 517 का, डी ऑल ऑफ द अबव, जी नहीं, अटेन्यूएटर, देखिए ना आप हैप्पी वर्मा, इसमें जो अटेन्यूएटर है वो तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम करता है, और जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, तो हमने तो सिर्फ पावर सिग्नल को इंक्रीज करने की बात कही है, तो वो सिर्फ एम्पलीफायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 518। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग, ठीक है। गैस और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है और वो मतलब वो अलाउ नहीं करती, तो ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें ये एक्सचेंज अलाउड नहीं होता। देखिए अगर आपने पिछले सेशन ध्यान से देखे है ना, चाहे आपने थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर आप मेरे 10 के 10 पिछले सेशन अच्छे से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए आप वो आंसर कर सकते हैं। मैंने सारे कवर किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये उन्हीं में से क्वेश्चन है, पहले हम क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी का एक पार्ट है ये कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो कौन सी प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और हमारा एक सिस्टम भी होता है एडियाबेटिक सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एडियाबेटिक सिस्टम, ठीक है। इनकी डिटेल मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 519 पर, जी हाँ सी इज द राइट आंसर, आइसोथर्मल नहीं है विश्वा, एडियाबेटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 519 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड, एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी का भी क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इस टॉपिक को काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, अब जस्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है कि इनमें से एस्केप वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ बॉडी पर, रेडियस ऑफ प्लेनेट पर, मास ऑफ द प्लेनेट पर, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है अंडर रूट 2gr हमारी होती है, ठीक है। और अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारी जो बन जाती है अंडर रूट 2gm डिवाइड बाय r हमारी बन जाती है। तो ये मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट पर डिपेंड कर रही है, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे तो डिपेंड कर रही है, तो कौन सा बचता है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी तो इसमें आया ही नहीं, ठीक है। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, पहले भी मैंने आपको बताया था। जी हाँ, जय माता दी, ईशानी आ गए आप, ठीक है। चलो आंसर कीजिए अब 519 की, मास ऑफ बॉडी पर क्यों डिपेंड नहीं कर रही, पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि चाहे आपको एक एलिफेंट को एक एस्केप वेलोसिटी देनी है, चाहे एक छोटी सी चींटी जो है उसे एस्केप वेलोसिटी देके आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भेजना है, दोनों को सेम वेलोसिटी देनी पड़ेगी क्योंकि मास पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। और कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 570 पर, क्या है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वर्क टू बी डन, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन के लिए
जो एंगल होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 0, 45 या फिर 180। अगर आपने लास्ट के दो सेशन भी देखे हैं तो उसमें हमारे वर्क डन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा जो है ये हमारा कई बार डिस्कस हुआ है कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो एफ एस कोस थीटा होता है, वेयर एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड कोस थीटा में ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम वर्क डन के लिए, इसका मतलब मुझे कोस थीटा को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। कोस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, एंड कोस थीटा की जो 1 वैल्यू है वो कहां पर होगी, जब कोस थीटा होगा 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज 0, ठीक है। नेक्स्ट चलें, जी हाँ 0 0 राइट आंसर है, जी हाँ बिल्कुल सही है आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अरे ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़े से बड़े हो गए हैं ऑप्शंस, कोई बात नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, इनमें से स्विमिंग किस पर बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो स्विमिंग है वो हमारी डिपेंड करती है न्यूटन थर्ड लॉ पर, ठीक है। स्विमिंग में क्या होता है, अपने हाथों से मतलब जो स्विमर है वो पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, और जितनी स्पीडली वो पानी को पीछे की तरफ पुश करेगा उतनी ही स्पीडली पानी उसको आगे की तरफ पुश करता है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। तो जब हम चलते हैं वॉकिंग, वॉकिंग का कंसेप्ट जो है, ठीक है, तब भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ही फॉलो होता है, ठीक है। तो स्विमिंग, वॉकिंग ऐसे जितने भी हैं, 521A, जी हाँ राइट आंसर आप सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 522, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है क्रिटिकल एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल एंगल के, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। देखिए इसमें जो है वो हमारा क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट होता है, तो बी हमारा सही ऑप्शन बनता है। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, मान लो यहाँ से एक वेव गई है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये हमारा हो गया नॉर्मल, वेव को जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन वो नॉर्मल से अवे होती है। हमने पढ़ा है जब रेयर से डेंसर में आती है टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगी, और जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जाना तो ऐसे चाहिए था बट वो नॉर्मल से दूर की तरफ ऐसे हो जाती है। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहोगे वेव जो है और इस तरह से ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती जाएगी, तो इंसिडेंस एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए वेव बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर, इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पर जाएगी, तो वो वाला जो इंसिडेंस एंगल है वो हमारा कितना, किसे क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है, ठीक है, जो क्रिटिकल एंगल है ये वो इंसिडेंस एंगल है जिसके लिए जो रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कितना हो जाता है 90 डिग्री। अब ये क्रिटिकल एंगल आ गया, अगर आप इससे भी ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो 90 से ज्यादा होकर और बिल्कुल अंदर की तरफ ही रे जो है वो वापस आ जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी इससे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलते हैं, कोई बात नहीं बेटू आप करते रहिए, कोई तो आंसर सही आएगा ही, इस सेशन में नहीं अगले में, आपको टॉपिक आप अच्छे से समझते रहिए, नेक्स्ट सेशन में आप बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 523, अब थ्रस्ट एंड वेट एक्ट इन, जो अब थ्रस्ट और वेट हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो है राहुल गुप्ता, कोई बात नहीं, इतनी सारी कमेंट्स होती हैं, सारी हम नहीं पढ़ सकते, इसीलिए नहीं हम आपकी कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जस्ट आंसर दीजिए, क्या है अब थ्रस्ट जो है और वेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं या सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो वो जो होते हैं वो हमारे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो जो है हमारा जो वेट ऑफ द बॉडी है वो लगता है डाउनवर्ड, लेकिन जो वो लिक्विड है वो उस पर एक अब थ्रस्ट लगाएगा, बॉयंट फोर्स की भी कल हमने डिस्कशन की थी, वो हमारा लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे दोनों फोर्सेस एक दूसरे के कैसे आए, बिल्कुल अपोजिट आए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन इज बी, जी हाँ अपोजिट, 523 बिल्कुल सही बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 524 पर, अ मैन पुशेस अगेंस्ट अ ट्रक विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, एक आदमी 50 न्यूटन का फोर्स लगा के एक ट्रक को पुश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रक फिर भी मूव नहीं करता, तो उस टाइम ट्रक ने जो मैन पर फोर्स लगाया है वो कितना होगा। देखिए फर्स्ट
बात तो इसमें ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी जब फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही, क्योंकि जितना फोर्स वो लगाएगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, क्योंकि मूवमेंट तो हो ही नहीं रही। इसका मतलब जितना उसने फोर्स लगाया उतना ही अपोजिंग फोर्स जो है उस ट्रक ने भी लगाया है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए यहाँ पर, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या आएगा, वो आएगा 50 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि 50 न्यूटन ही उसने लगाया तो 50 न्यूटन ही उस पर अपोजिंग फोर्स लगा है। तो राइट आंसर गोविंद कुमार जीरो नहीं आएगा, इसमें यही कंफ्यूजन है। ठीक है, कई बच्चों ने इसमें जीरो आंसर किया, तो जीरो नहीं आएगा। जीरो इसलिए नहीं आएगा, जीरो तो तब होता ना कि अगर हम यूं बोलते कि अब अगर ट्रक कोई फोर्स ना लगा रहा होता फिर तो मूवमेंट होनी चाहिए थी ना, यानी कि उसने तो आदमी ने तो अपना अपनी तरफ से 50 न्यूटन लगाया है। अगर ट्रक ने जीरो फोर्स लगाया होता फिर तो उसका फोर्स ज्यादा हो गया ना 50 न्यूटन, फिर तो उसकी वजह से ट्रक मूव करना चाहिए था, बट ट्रक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 525 पर। व्हाई इम्प्योरिटीज आर एडेड टू सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज ऐड क्यों की जाती हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर की एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। ठीक है, ये हम काफी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्योर। और जब उसमें मैं इम्प्योरिटीज डाल देती हूँ तब उसको बोलते हैं हम डोपिंग कर दी हमने। ठीक है, इम्प्योरिटीज डाल दी तो वो क्या होगी, डोपिंग की प्रोसेस उसे बोलते हैं, तब वो जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक। तो ये हमें इम्प्योरिटी डालने की जरूरत क्या पड़ी, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 525 का डी नहीं आएगा ईशानी, सी आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने बढ़ानी है, रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ानी, कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स में जो नॉर्मली जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो हम जो चार्ज जो पार्टिकल्स हैं चार्ज कैरियर्स उनको बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम डोपिंग कर देते हैं, और डोपिंग विल हेल्प अस इन गेटिंग मोर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो डोपिंग के बेस पे फिर वो दो तरह के हमारे हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, इनके बारे में आप सर्च करें, शायद आने वाले सेशन में इनमें से कोई क्वेश्चन डालूं। ठीक है, तो इनको पढ़िएगा तब तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 526 पर। विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट, इनमें से कौन सा ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो हमने बताना है। नेक्स्ट क्या ऑप्शंस हैं, पॉलिश्ड सरफेस, शाइनिंग सरफेस, अनपॉलिश्ड, या बोथ ए एंड बी। देखिए जो रिफ्लेक्शन की मेन कंडीशन होती है, हम ये बोलते हैं कि एक लाइट आई है वो एक ऐसे सरफेस पर टकराती है जिसकी हमने एक तरफ क्या की हुई है, पॉलिशिंग की हुई है। अब अगर पॉलिशिंग की हुई है तो वो तभी रिफ्लेक्शन करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा खत्म ही हो जाता है, ये बात तो हम सबसे पहले बोलते हैं। और जब आप एक तरफ पॉलिश कर देते हो तो आपने मिरर देखा होगा वो कैसा बन जाता है, एक ग्लास लिया सिंपल, आपने उसके एक तरफ पॉलिश कर दिया सिल्वर से या किसी और, ठीक है, किसी और सब्सटेंस से, तो क्या होगा वो चमकने लग जाएगा, तो शाइनिंग भी बन गया वो, तो यानी कि जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो शाइनिंग सरफेस से भी होती है। इन्होंने तो पूछा है जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी ए और बी तो हमारे सही ऑप्शन हो गए ना जो करेंगे, इसका मतलब कौन सा बचा, अनपॉलिश्ड। सी जी नहीं, विश्व ए एंड बी नहीं आएगा, इसका जो हमारा आएगा सी, राहुल सिंह बिल्कुल सही आंसर, सी आएगा, अनपॉलिश्ड। सिर्फ इतना ध्यान रखिए रिफ्लेक्टिव सरफेस, आपने देखा होगा शाइनिंग जहां पर कोई भी सरफेस है, आप एक फर्नीचर भी ले लो उस पर थोड़ी शाइनिंग वाली जो हम बोलते हैं ऊपर जो सरफेस होता है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक खुरदरा जो सरफेस होता है अनपॉलिश्ड वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मोस्टली उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपको ध्यान हो तो ब्लैक बॉडी में भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि जो ब्लैक बॉडी कैसे कलर की जो बॉडी है, कैसी बॉडी हीट को रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो उसमें हमने लिखा था कि जो ब्लैक बॉडी हो और साथ में रफ हो, ठीक है, वो प्लेन होगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कोई बात नहीं, आपको साइंस नहीं आती तो सीख जाओगे, अगर देखोगे सेशन अच्छे से तभी तो कुछ सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डिवाइस इम्प्लॉयड टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्टार्स एंड अवर गैलेक्सी, ये भी हमारा एक डायरेक्ट याद रखने वाला एक क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टार्स और गैलेक्सी हैं मिल्की वे हैं उनको उनकी डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस इनमें से यूज होती है। देखिए जो फोटोमीटर है वो भी नहीं है, बैरोमीटर भी नहीं है, हमने अभी पढ़ा था प्रेशर के लिए, विस्कोमीटर भी नहीं है, तो राइट आंसर आएगा इंटरफेरोमीटर। ठीक है, इंटरफेरोमीटर में हम क्या पैटर्न यूज करते हैं, जी हाँ कोई बात नहीं सूरज, आपने सही बताया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इंटरफेरोमीटर जो है वो हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, यानी टू और मोर वेव्स जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती हैं तो उनका जो पैटर्न है वो चेंज होता है, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह बनते हैं, तो उस पैटर्न पर ये इंटरफेरोमीटर जो है वो वर्क करता है।
नेक्स्ट चलते हैं, इंटरफेरोमीटर, जी डी आएगा इसका, राज एंड सुंदर, ये हमारा ए ऑप्शन नहीं आएगा, डी आएगा, ठीक है, इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट जो हमारा है, इन प्रोजेक्टर्स विच लेंसेज आर यूज, प्रोजेक्टर में हम कैसा लेंस इनमें से यूज करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव, बाईपोलर या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा ऐसे हमारा ये होता है, यहाँ से लाइट निकलती है और वो लाइट इस तरह से हमें स्क्रीन के ऊपर डालनी होती है। इसका मतलब मेरे को लाइट को क्या करवाना है, डाइवर्ज करवाना है, यानी कि लाइट को हमने फैलाना है पूरी स्क्रीन को ताकि वो कवर कर सके। और कल परसों के सेशन में एक क्वेश्चन किया था, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो वो कौन सा था, वो था कनकेव लेंस। अगर कनकेव लेंस कन्वर्जिंग है तो डाइवर्ज करने के लिए कौन सा यूज होगा, कन्वेक्स, सिंपल सी बात है। तो आप नाम से याद रखिए, अगर कहीं पे आपको वेव्स को कन्वर्ज कराना है, फोकस कराना है, तो हेडलाइट्स जो होती हैं, जो हमारी व्हीकल्स की होती हैं, उसमें हमें लाइट को पॉइंट मतलब सामने फोकस कराना है, तो कन्वर्ज कराना है, तब तो कनकेव लेंस यूज करेंगे। यहाँ डाइवर्ज कराना है, 528 का बी, जी नहीं, बी नहीं, सी आएगा, ठीक है, रोहित एंड बिट्टू, सी आंसर आएगा, सॉरी ए आएगा, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें लाइट फैलानी है, ठीक है, तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, और डाइवर्जिंग जो लाइट को फैलाने के लिए यूज करते हैं वो हमारा होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 529 पर, इफ आ बॉडी स्लाइड्स ओवर आ सरफेस द फोर्स रेजिस्टिंग, जी हाँ राहुल बिल्कुल सही है, कन्वेक्स, इफ अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम इज, देखिए अगर एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है तो ये कैसा फोर्स होता है, मैंने पिछले कई क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में इसको डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन की अपोजिंग की जब भी बात आती है और वहां पर कॉन्टेक्ट मोशन होती है, मतलब एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट होता है, तब हमारा हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। 529, जी हाँ मिरर और लेंस में बहुत डिफरेंस होता है, जो लेंस होते हैं, ठीक है, मिरर और लेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय इट्स, जो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की बात की गई है, उसकी रेशियो किससे लेनी है हमें, टाइम टेकन, कि कितना टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिवाइड बाय टाइम, यहाँ नॉर्मल डिस्टेंस बाय टाइम नहीं कह रहे, अगर नॉर्मल डिस्टेंस बाय टाइम होता तो हम क्या लिखते, इसका सिंपल स्पीड लिख देते, ठीक है, तब तो वो होता स्पीड, लेकिन इन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो ये जो हमारी होती है वो होती है एवरेज स्पीड, ठीक है, तो हमारी है क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज द राइट आंसर, ठीक है। 528 में आई थिंक कईयों को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में कमेंट में डिस्कस करती हूँ, या तो कल जो हमारा सेशन होगा नेक्स्ट, उसमें मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक वो लेंस और मिरर को लेके कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में शायद कंफ्यूजन है या आपको अंडरस्टैंडिंग में है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पक्का, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एवरेज स्पीड आपको समझ आ गया होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है। 531 का सी, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 531, द इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, कल मैंने शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये उन्हीं में से एक है, और मैंने आपको बोला था अगर ये आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये इक्वेशन एज इट इज याद नहीं रख पाते, कम से कम इनमें किस क्वांटिटी का मतलब क्या है, वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू किसको यू प्रेजेंट कर रहा है, ए और एस, ये मैंने आपको प्रॉपर बताए थे, ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चन बन गया है कि इस इक्वेशन में जो एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आपने कल देखा होगा तो यू कैन आंसर इट, ठीक है, तो इसमें जो एस है हमारा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। वी जो हमारी होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। 531 का बी, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है अनूप, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो यू है वो हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो ए होती है एक्सेलेरेशन, एस होती है डिस्प्लेसमेंट, सूरज सी नहीं आएगा हमारा, इसमें आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 532 पर, द इंसुलेशन कवर ऑन लाइव वायर इज डैश इन कलर, जो इंसुलेशन कलर लाइव वायर पर होता है वो कैसा होता है, हमारे पास तीन तरह की वायर होती है, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, और एक होती है अर्थिंग के लिए जो वायर यूज करते हैं, तो जो लाइव वायर है वो इनमें से कौन सा कलर हम यूज करते हैं, अब लाइव है तो देखिए डेंजरस है, ठीक है, तो डेंजर सिग्नल कौन से होते हैं, रेड कलर के होते हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा यूज करेंगे, रेड कलर, ठीक है। न्यूट्रल के लिए हमारा ब्लैक यूज होता है, और जो अर्थ वायर है उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, ग्रीन हम यूज करते हैं, ठीक है, जी हाँ उसका डिस्प्लेसमेंट है 532 का सी, जी हाँ बिल्कुल सही, रेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 533 पर, द प्लैनेट विच कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 88 डेज, बिल्कुल इजी है, कौन सा प्लैनेट है जो 88 डेज में अपना वन रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट कर देता है,
सबसे फर्स्ट जो हमारा प्लेनेट है, हमारा जो सौर मंडल है, ठीक है, उसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर, तो कौन सा है? मरकरी. राइट आंसर इज मरकरी. बिल्कुल इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 534. अब 534 फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया. देखिए, हम 500 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आज के लगा के 550 हो जाएंगे. उसमें हमारे बार बार, अब टॉपिक्स तो हमारे सेम ही है, क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप से हम बनाते हैं, थोड़ा कोई टिपिकल बना देते हैं, कोई इजी बना देते हैं. अब ये जो क्वेश्चन है डिस्कस तो हो चुका है, रिचर स्केल कल भी किया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है. अब थोड़ा सा इसका हमने पैटर्न चेंज कर दिया कि जो रिचर स्केल है वो किसके लिए यूज करते हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव के लिए, या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए. अब रिचर स्केल, अगर कोई कल वाला क्वेश्चन रिकॉल करेगा तो वो बोलेगा कि रिचर स्केल का यूज तो हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो अर्थक्वेक की बात ही नहीं की गई, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं. लेकिन देखिए, सिस्मिक वेव तो ऑप्शंस में है ना, तो सिस्मिक वेव, सिस्मोग्राफ का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है. सिस्मिक वेव हम जो भूकंप वाली, जो अर्थक्वेक वाली वेव है, उन्हीं को बोलते हैं, तो उनके एम्पलीट्यूड के लिए. यानी कि एक ही क्वेश्चन के दो टाइप बन सकते हैं. आपसे पूछ सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए कौन सा यूज किया जाता है. जी हाँ नूर, बिल्कुल सही आंसर है, सिस्मिक वेव. विवेक, आप सभी का, फरीदा, बिल्कुल सही आंसर सी है, सिस्मिक वेव के एम्पलीट्यूड के लिए. बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन इजी है लेकिन अलग अलग टाइप से आ सकता है. आपसे अर्थक्वेक का पूछ सकते हैं या सिस्मिक वेव करके पूछ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं 535. इन विच ऑफ द बॉडी, इन विच मोशन बॉडी इट्स वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, ठीक है. एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो विद टाइम वेरी करती है, तो वो मोशन कौन सी मोशन बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, इक्विलिब्रियम, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. तो जो इसमें हमारा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, मीन्स चेंज कर रही है. अगर चेंज ना करती तब हम कौन सी बोलते? तब तो हम बोलते वो यूनिफॉर्म होती, ठीक है. लीनियर तो सिंपल लाइन में चल रही है, इक्विलिब्रियम में वो आएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ तो वेरिएशन की बात हो रही है वेलोसिटी के. 535 का डी. जी हाँ ईशानी, रोहित, तनु, बिल्कुल सही आंसर है डी. नेक्स्ट चलें 536 पर. अरेंज द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं हमारे पास. फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन होता है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, ठीक है. देखिए, सबसे ज्यादा वो होगा जो मोशन को सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है, यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन कर ही नहीं पाया तो कौन सा आएगा? जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजिशन में है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, ठीक है, तब कौन सा आएगा? स्लाइड हो रहा है वो, तब आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि उसने ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने दे दिया. वो इसका मतलब वो स्टैटिक वाले से तो थोड़ा कम था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट अच्छे से रोल कर पा रहा है तो मूवमेंट फास्ट नहीं होती है रोलिंग में, मूवमेंट फास्ट है तो फ्रिक्शन बहुत कम है, इसका मतलब रोलिंग वाला फ्रिक्शन कम है. तो आप इस तरीके से याद रखिए, रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का अंडरस्टैंड करके. स्टैटिक का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है, रेस्ट पर तब होगा जब फ्रिक्शन, यानी अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो गया स्टैटिक वाला. अब वो स्लाइड कर पा रहा है तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हुआ, और रोल कर पा रहा है तो फ्रिक्शन उससे भी कम हुआ, ठीक है. स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, जी हाँ विश्वजीत, बिल्कुल सही, एंड राज ने भी सही आंसर दिया है, नूर ने, नूर सी बोल रहे हैं, सी सही आंसर नहीं है, ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 537 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पाउडर्ड फॉर्म एज लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट में जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, देखिए ये भी फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का एक मेथड है लुब्रिकेशन, ठीक है, जिसको ऑयलिंग बोलते हैं हम, ठीक है. उसमें कौन क्या चीज यूज की जाती है पाउडर फॉर्म में? ग्रेफाइट होता है, चौक होता है, साल्ट या फिर शुगर, तो वो क्या होता है हमारा? ग्रेफाइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेफाइट के यूजेज आप जितने ज्यादा हो सके उतने याद रखें, ठीक है, ग्रेफाइट यूज करते हैं. 537 राज, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट देखते हैं 538. व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस. ये हमारी पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन है. पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास एक डिवाइस बन के तैयार हो जाती है. अब उसको फॉरवर्ड बायस करना होता है. फॉरवर्ड बायस के बाद उसका जो रेजिस्टेंस है हमें वो बताना है कैसा आएगा. फॉरवर्ड बायस करने के बाद आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, रेजिस्टेंस बन जाएगा उसका बहुत ज्यादा लो, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी हाई आएगी. आप सिर्फ इतना याद रखें, जब फॉरवर्ड बायस करेंगे कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस कम, और रिवर्स बायस करेंगे उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हाई और कंडक्टिविटी बिल्कुल कम, ठीक है. तो यहाँ पूछा था रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा कम. नेक्स्ट चलते हैं 538 का ए. जी नहीं, ए नहीं आएगा, हाँ सी एंड डी, वो सॉरी वो थोड़ा उसमें रिपीट हो गया है. सी इज द राइट आंसर, सी या डी कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है.
नेक्स्ट चलें 539 पर, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसी हम इतनी बार यूज नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि ये आईसी खराब हो गई है, जैसे लैब वगैरह में भी हमने सुना होगा, वैसे भी फोन में, टीवी में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनमें आईसी लगी होती है, तो आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड या इनबिल्ट सर्किट। तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जब काफी सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड्स, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, जितने भी मतलब कोई भी डिवाइस यूज हो रही है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, उनको एक छोटे से एरिया में सबको इंटीग्रेट, एक जगह पर फैब्रिकेट किया जाता है, तो वो हमारी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। जी हाँ, राइट आंसर सी, आप सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 540। वट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ सर्किट्स? जो पैरेलल कनेक्शन सर्किट्स का लगाया जाता है उसकी एडवांटेज क्या है? यू ऑल नो वेरी वेल कि जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स जिनको बोलते हैं, घर में जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, वो भी हम कैसे लगाते हैं? पैरेलल। उससे बेनिफिट क्या रहता है? हमारा बेनिफिट रहता है सेम वोल्टेज। यानी कि अगर ऐसा होता हम सीरीज में लगा देते, फिर तो जो सबसे पहले वाली डिवाइस है वही सारी वोल्टेज ले लेती, आगे बहुत कम जाती, फिर वो ले लेती, आगे बहुत कम जाती, वो इस तरह से जो लास्ट में जो डिवाइसेज है, मतलब एक दो डिवाइसेज ही पूरी वोल्टेज ले लेती और लास्ट वालियों तक बहुत कम वोल्टेज बचनी थी। लेकिन हमने उनको कैसे लगाया? पैरेलल में। इस तरीके से हम लगाते हैं जो भी हमारे डिवाइसेज हैं उनको, ठीक है, पैरेलल में लगाते हैं ताकि सबको कैसे मिले, सेम वोल्टेज मिले। ए 540 का बी नहीं आएगा गोविंद, ए आएगा, ठीक है। बाकी सबका सही आंसर है अनूप, आशीष, राहुल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 541 पर, फ्लूड फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज, फ्लूड फ्रिक्शन। अब देखो, फ्रिक्शन एक हमने जो स्लाइडिंग रोलिंग वगैरह बात की थी वो सॉलिड के केस में होते हैं, ठीक है, जब एक सॉलिड सर्फेस दूसरे सॉलिड सर्फेस पे स्लाइड करता है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो फ्लूड की बात कर रहे हैं, यानी कि लिक्विड के अंदर जो सर्फेस होता है, सॉरी फ्रिक्शन होता है, अपोजिंग फोर्स, उसको रोलिंग, स्लाइडिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, ये तो हमने किस में बात की थी? सॉलिड में। तो ये तो आंसर कैंसिल ही हो गए, तो कौन सा आया? ड्रैग, ठीक है। आप ड्रैग भी याद रखिए और इसको आप उससे भी याद रख सकते हैं, एक और इसका नाम होता है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैंने पहले डिस्कस किया इसलिए मैं नहीं बता रही, ठीक है। ड्रैग बोलते हैं उसको, यानी कि फ्लूइड्स के केस में जो अपोजिंग फोर्स आता है वो ड्रैग होता है, इसका एक और नाम होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 542, जो स्प्रिंग टाइड्स हैं वो कब बनती हैं, ठीक है। टाइड्स जो बनती हैं, आप सभी को पता है कि जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जो पानी उठता है, गिरता है, ठीक है, ये जो होता है, ये जो हमारा मून होता है, उसके मून एंड सन जो है उनके ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। अब जो इन्होंने बोला स्प्रिंग टाइड्स कब बनती हैं, जी हाँ, ड्रैग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, स्प्रिंग टाइड्स तब बनेंगी जब मून, सन एंड जो अर्थ है वो तीनों ही क्या होते हैं, सेम लाइन में होते हैं। अगर वो तीनों ही सेम लाइन में है तब हमारा जो बनता है वो हमारा बनती है स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलें, एक नीप टाइड्स भी होती हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, इसके बारे में पढ़ना आज, टाइड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 543, जी हाँ, ए आंसर 42 का ए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बताना है, कौन सी बात ट्रू है कि जो टोटल हीट एब्जॉर्ब की गई है इट विल इक्वल टू वर्क डन एंड द सिस्टम विल रिटर्न टू इनिशियल स्टेट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, साइक्लिक नाम बोला है। अब साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइकिल कंप्लीट करना किसे बोलते हैं? कि कोई चीज जाती है कहीं पे और वापिस उसी जगह पर आ जाती है, तो हम बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जब कोई चीज वापिस अपनी इनिशियल, कल हमने पेंडुलम की बात की थी, पेंडुलम में भी एक साइकिल कंप्लीट हुआ था जब मीन पोजीशन से लेफ्ट गया, मीन पोजीशन पर आया, राइट गया, वापिस से मीन पोजीशन पर आया, ठीक है। तो ये जो हमारा आया था ये हमारे पेंडुलम के केस में, तो साइक्लिक का मतलब यही है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही गई, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू होती है कि जो हीट जितनी एब्जॉर्ब की है वो सारी की सारी वर्क डन में यूज हुई, तो बोथ ए एंड बी। 543 का सी, जी हाँ, राइट आंसर मानसी, सूरज एंड राज, बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 544, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो साउंड होती है, मतलब उसकी साउंड को प्रोड्यूस जो होती है उसको सुनने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका तो मैं आंसर ना भी दूं तो भी चलेगा, मैनोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, पायरोमीटर है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो दे देते हैं आंसर, तो ठीक है, राइट आंसर हमारा है 544, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास आपने देखी ही होगी, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जिसने आज तक स्टेथोस्कोप ना देखी हो, ठीक है। तो डॉक्टर जो हमारी हार्ट बीट सुनने के लिए या फिर चेकअप करने के लिए जो यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 545, जो डॉपलर इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड होता है, जी हाँ, स्टेथोस्कोप बिल्कुल सही। डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है।
वो चेंज इन वेवलेंथ बताता है साउंड का, चेंज इन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी या फिर वेव वेलोसिटी, क्या चेंज बताता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी की चेंज की बात करते हैं। होता क्या है, आप सिर्फ इतना याद रखिए, वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब भी दो ऑब्जेक्ट हैं, हम यूं कह सकते हैं ये लिसनर है ये सोर्स है, अगर तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, एक जगह पर खड़े हैं, ठीक है, तब तो जो जितनी जो सोर्स है जितनी एनर्जी देगा सॉरी जितनी फ्रीक्वेंसी देगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी जो लिसनर है वो रिसीव करेगा। लेकिन इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, या तो हमारा जो लिसनर है वो मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है या दोनों ही मूव करते हैं, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग आएगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है डोपलर इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो 545 का सी आंसर, जी हाँ नूर मोहम्मद बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सी ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 546 पर, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विस्कोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी अभी मैंने दो क्वेश्चन पहले आपसे ड्रैग की बात की थी, ठीक है, तो वो ड्रैग आ गया, ड्रैग का दूसरा नाम हमने पूछा था, तो दूसरा नाम क्या है, विस्कोसिटी। तो अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आप ये आंसर कर सकते हैं, क्या आएगा विस्कोसिटी का, रेजिस्टेंस इन फ्लूड मोशन, क्योंकि अभी पीछे तो किया हमने कि जो फ्लूड मोशन में जो अपोजिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, ड्रैग बोला था, तो रेजिस्टेंस या अपोजिंग मोशन, अपोजिंग फोर्स तो एक ही तो बात है, तो राइट आंसर इज 546 का जो है राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 547 पर, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस, ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है जब उसे फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कंडक्टिविटी क्या होती है उसकी, बढ़ जाती है। अब आ गया कि फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था तो मेरे को पता था आगे तो बताना ही है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है, देखिए मैंने ऐसे बना के दिखाई थी आपको कि यहाँ पर हमारी जो है वो पी है, यहाँ पर एन है, ये हमारी होगी बीच में जंक्शन। तो अगर आप इस पी को एक बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करा देते हैं और एन को बैटरी के नेगेटिव से अटैच करा देते हैं तो हमारी हो जाती है फॉरवर्ड बायस। तो राइट आंसर क्या बना, व्हेन पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड ऑब्वियसली एन विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव, देन इट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाती है। अगर रिवर्स बायस बोलते हैं, उल्टा कर दीजिए, इधर नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है, और इधर लगा दीजिए पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस, ठीक है। 547 का बी नहीं आएगा सिपेन, ए जी हाँ ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 598 पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गिव राइज टू विच फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स आता है, मैकेनिकल आता है, स्प्रिंग आता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है या ग्रेविटेशनल आता है। तो राइट आंसर रहेगा मैकेनिकल फोर्स। मैग्नेटिक इफेक्ट आपने मोटर के अंदर देखा होगा, जनरेटर के अंदर देखा होगा, उसमें हम मैग्नेट भी लगाते हैं और एक जो हमारा होता है जो मतलब मैकेनिकल पार्ट लगा होता है, जो हमारी कॉइल होती है वो मूव करती है, तो वो किसके इफेक्ट से मूव करती है, जो कॉइल मूव करती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट से, तो मैकेनिकल फोर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले 599 पर, 548 का ए, जी हाँ अनूप एंड राकेश, राकेश आपका गलत है, डी नहीं आएगा, ए आएगा। 549 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज यूज एज ए मटीरियल फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर डिवाइसिस, सेमी कंडक्टर डिवाइसिस बनाने के लिए हम कौन सा मटीरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन यूज करेंगे, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड या फिर सब के सब। तो इसमें राइट आंसर हमारा आएगा ऑल द अबव, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो एक ही जगह पर है, ठीक है, और जो गैलियम आर्सेनाइड है वो भी एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो सेमी कंडक्टर डिवाइसिस पीएन जंक्शन डायोड्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। 549 का डी, जी नहीं डी नहीं है, ऑल जी सॉरी हाँ डी ही है, ऑल ऑफ द अबव सभी आएंगे, ऑल ऑल ऑल, ठीक है बिल्कुल सही। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल्स टू स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन। अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो तो सबसे कम होता है, तो क्या आएगा, स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि रोलिंग मोशन सबसे ज्यादा होती है तो फ्रिक्शन सबसे कम होगा। तो ये लीजिए, इसी के साथ आज के हमारे 550 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, ठीक है, और काफी क्वेश्चन, 550 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए अब तक तो आपको टिप्स पे हो जाने चाहिए ये टॉपिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब, और तब तक इनको अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, कोई आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो हम यहाँ इतना टाइम होता है तो नहीं डिस्कस कर पाते हैं। मंजू देखिए न्यूमेरिकल जो है हम इस सेशन में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है 50 क्वेश्चंस है, टाइम भी हमारे पास इतना ही होता है कि हम यही डिस्कस कर पाए, न्यूमेरिकल के लिए कई बच्चे बोल रहे हैं
तो देखते हैं अगर कोई अलग से सीरीज बन पाती है तो वी विल डिसाइड इट लेटर, ठीक है? अभी फिलहाल आप इन पे कंसंट्रेट कीजिए, हम जरूर आपकी देखते हैं इसके बारे में, अगर कुछ हो सकता है तो न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए फिर करते हैं, टाटा बाय बाय। जी हाँ बाय, वेरी गुड। चलिए पढ़ते रहिए इसको, ठीक है? अच्छे से खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।